बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम भिंडी की जर्मिनेशन और उसे गमले में कैसे उगाया जा सकता है सीखने की कोशिश। मैं बड़े बड़े दावे करने के बजाय कोशिश करता हूँ चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ। इसलिए आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़। सबसे पहले मैंने एक सीडलिंग ट्रे लिया है। सीडलिंग ट्रे के पेंदे में सुराख होने चाहिए ताकि अगर किसी वजह से पानी ज़्यादा हो जाए तो इन सुराख से ड्रेन हो जाए। अब मैं इस सीडलिंग ट्रे में ज़रखेज़ मिट्टी भर रहा हूँ। जो मिट्टी आपने इस्तेमाल करनी है उसमें नमी यानी मॉइस्चर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि बीज ने इसी नमी में जर्मिनेट होना है। इसके बाद उंगली की मदद से छोटे छोटे गड्ढे बना लें। इन गड्ढों में हम बीज रखेंगे। ये मैंने तकरीबन तमाम गड्ढे मुकम्मल कर लिए हैं। ये भिंडी के बीज हैं जो 2 से 3 घंटों के लिए मैंने नीम गर्म पानी में भगो लिए थे। बीज भगोने का फ़ायदा ये होता है कि ये अपने अंदर नमी स्टोर कर लेते हैं और जर्मिनेशन के वक्त ड्राई नहीं होते। अगर हम डायरेक्ट क्यारी में बीज ले गए तो भिंडी के बीज की जर्मिनेशन बहुत कम होती है। इस तरीक़ाकार में आप देखेंगे हमारी जर्मिनेशन मैक्सिमम हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ तमाम गढ़ों में एक एक बीज लगा दूँ। आप देख सकते हैं मैंने तमाम गढ़ों में एक एक बीज लगा दिया है। अब बीज लगाने के बाद मिट्टी की हल्की सी तह इन बीज के ऊपर लगा दूंगा और इस ट्रे को पानी दिए बगैर किसी शापर या प्लास्टिक शीट में लपेट कर किसी सायादार जगह पे रख दूँ और जर्मिनेशन का इंतज़ार करते हैं। बीज लगाए हुए 7 दिन गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे बीज मैक्सिमम जर्मिनेट हो चुके हैं। जर्मिनेशन का ये तरीक़ाकार मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें जर्मिनेशन के लिए बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। नॉर्मली अगर आप ओपन बीज लगाते हैं तो उसके लिए मिट्टी सख्त हो जाती है, कभी पानी कम लगने की वजह से बीज ड्राई हो जाते हैं और अगर पानी ज़्यादा लगा दिया जाए तो फफूंदी वगैरह लग जाती है। तो अब मैं इसे पहली दफ़ा पानी लगा रहा हूँ। पानी लगाने के बाद मैं इस ट्रे को धूप में रख दूँगा क्योंकि अब इसे खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। 11 दिन बाद हमारे पौधे बीज से निकल चुके हैं। इस मरहले पर सबसे ज़्यादा एहतियात कि सीडलिंग ट्रे को ड्राई ना होने देना है। 15 दिन बाद भिंडी के पौधे क्यारी में या फिर गमले में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। मैं इनको गमले में शिफ्ट कर देता हूँ। गमले में शिफ्ट करने के बाद इनको पानी फौरन लगा देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।